ଏବେ ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ଫସଲ ଅମଳର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ସବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମକର ମେଳା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପୋଙ୍ଗଲ, ପଞ୍ଜାବରେ ଲୋହରୀ ଭଳି ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ଆଉ ଏକ ପର୍ବ। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଏହି ପର୍ବକୁ କୁହାଯାଏ ବିହୁ। ବିହୁ ପାଇଁ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆସାମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏହି ପର୍ବ ବା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଭୋଗାଲି ବିହୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବଜାରରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦ ମିଠା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ। पहले मैं सबको हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से भोगाली बिहू का विश करती हूँ। फिर हम लोग का जो ऑर्गेनाइज है सिरो हिल्स कला कृषि केंद्र, इस टाइम 14 इयर्स कंप्लीट कर रहा हूँ हम लोग। तो गुवाहाटी का जो राइज है ना, उसका बहुत रेस्पॉन्स है हम लोग का इस मेला में, क्योंकि भोगाली बिहू भूख करता है, लोग खाता है पीता है, इसलिए जितना जितना सामग्री चाहिए सब यहाँ पे मिलता है। पीठा वगैरह रेस्पॉन्स बहुत मिलता है, कोरोना है फिर भी रेस्पॉन्स मिलता है, कस्टमर बहुत आ रहा है यहाँ पे। मैंने अभी तक लिए पीठा लिया है, जो आसामीज का होता है हम लोग का पीठा लिया है, लाड़ू लिया है, नारियल का सीरा लिया है, दही लिया, क्रीम लिया है, ले लिया, सब कुछ ले लिया है। बिहू अच्छे से करेंगे सब, मतलब जब जो जो हम लोग का लोग हैं सबके साथ मनाएंगे, घर के लोगों के साथ। सो आई एम हैप्पी टू अनाउंस एंड ऑब्जर्व द गैदरिंग हियर इन ओकेजन ऑफ भोगाली बिहू। यू नो असमीज हैज गॉट थ्री बिहूज, वन इज बोहाग बिहू, दिस इज भोगाली बिहू एंड अनदर इज काती बिहू। सो भोगाली बिहू इज प्रोडक्टेड एज द बिहू ऑफ गुड फूड, गुड थिंकिंग and good idea. So if you see the surroundings, you will see the various shops offering their good food, homemade food, home prepared food, and they have their unique taste.